हेलो एवरीवन, हम आज आ चुके हैं अपने एक्सपेरिमेंटल रॉकस्टार के चैनल पे। आज हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, तो आप भी वीडियो में देखिए आज हम लोग किस किस का केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो आज हमारे पास है ये पोटासियम परमैंगनेट जो कि 3 ग्राम में है, और हम लोग के पास है आज ये शुगर, वो भी 3 ग्राम है, बस देख सकते हैं आप इतना थोड़ा सा। और हमारे पास आज मिल्क मतलब दूध। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इसी के बीच केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम ये तीनों मतलब पोटासियम परमैंगनेट को इस ग्लास में निकालते हैं। तो हम लोग पोटासियम परमैंगनेट को इसमें निकाल चुके हैं। पोटासियम परमैंगनेट का केमिकल नेम होता है KMnO4। तो आज हम चलते हैं अपने वीडियो में। तो पहले शुगर को और मिल्क को एक दूसरे में मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कुछ होगा नहीं। उसके बाद इसमें पोटासियम परमैंगनेट मिलाएंगे तो कुछ होगा, तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो करके ट्राई नहीं किए हैं, पर आज ट्राई करने वाले हैं कि क्या होता है इसमें। ये दूध मिल चुका है इसमें पूरा, तो ये दूध और शुगर का घोल बन चुका है, और हमारे पास ये पोटासियम परमैंगनेट और ये है मिल्क। तो आज हम देखते हैं कि ये सब दोनों को एक में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो चलते हैं, हम पोटासियम परमैंगनेट को धीरे धीरे करके इसमें डालते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और उसके बाद इसको एक में मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका जो कलर है वो पूरा चेंज हो चुका है पोटासियम परमैंगनेट के कारण से, जो कि पूरा डीप पर्पल कलर हो चुका है। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। एक दो बार और इसको मिला लेते हैं। तो देखते हैं आफ्टर 5 मिनट के बाद इसका क्या होता है, वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्टिंग में देखे थे कि हम लोग KMnO4 और मिल्क का रिएक्शन करवाते हैं, जो कि मिल्क पूरा वाइट होता है और ये पोटासियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो पूरा चेंज होकर ब्लैक हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो था ये पूरा क्लोट हो चुका है। तो क्लोटिंग होने की वजह से हम लोग इस दूसरे ग्लास में डाल के देखते हैं, ये पूरा हीट भी हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग डालते हैं, अब देख सकते हैं ये जो पूरा क्लोटिंग है ये पूरा मिल्क में ही हो चुका है। तो हमने देखा जैसा कि वीडियो में, हम लोग का जो मिल्क था जिसमें कैल्शियम पाया जाता है और पोटासियम परमैंगनेट मिल के पूरा ब्लैक कलर हो चुका है और पूरा क्लोटिंग हो रहा है, मतलब कि पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर वीडियो को जरूर से जरूर करें, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आप इस रिएक्शन को घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।